हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और उसी लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। ये कोई थ्योरम है हमारे पास, सपोज दैट ए इज अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन एंड वी आई इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। वी आई जो है आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई, तो उस कंडीशन में वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन जो होंगे वो बेसिस बनाएंगे आर एन के लिए। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अब तक जो पढ़ा था उसमें हमने देखा कि ये जो लेमडा वन से जो आई लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री इनसे जो भी आइगन वेक्टर बन रहे थे वो हमारे पास आइगन वेक्टर जो थे वो एल आई थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे और साथ ही वो एन वेक्टर्स बन रहे हैं, तो एन वेक्टर्स हैं। तो उस कंडीशन में ये जो जो बेसिस की जो टर्मिनोलॉजी है कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन जो है वो हमारे पास बेसिस होंगे आर एन के, क्योंकि अगर ये हमारे पास एल आई है और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर एक हमारे पास एन सेट अगर ऐसे मिल जाते हैं किसी उसके लिए आर एन के लिए जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो कोई और दूसरा भी मिले तो वो हमारे पास यूनिक प्रूव किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बेसिस होगा तो इसको और प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड द बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस, और उसके बाद डज आर क्यू इज बेसिस फॉर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, ये हमारे पास चेक करना है। तो पहले तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा, यानी कि ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और लेमडा बराबर ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुके हैं, लेमडा बराबर वन एंड लेमडा टू बराबर टू, बेसिकली टू, ये दो बार है। नोटिस दैट ऑल्दो पी लेमडा इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इट हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट रूट, हेंस ए हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू लेमडा टू बराबर टू इज सेड टू बी रिपीटेड एंड लेमडा वन बराबर वन इज सेड टू बी सिंपल आइगन वैल्यू। तो लैम्डा टू बराबर जो है बेसिकली रिपीटेड आइगन वैल्यू है, लैम्डा वन बराबर वन जो है वो ओनली वन आइगन वैल्यू है। वन कैन फाइंड आइगन स्पेस, आइगन स्पेस कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखते ही आ रहे हैं, यानी ए माइन ए वी ए माइनस लैम्डा आई, यानी ए माइनस और जैसे यहाँ पे वन है तो वन आई इक्वल टू जीरो, और उसके हेल्प से हमने आइगन स्पेस निकाल सकते हैं। तो इसलिए वन के लिए निकालेंगे, इसी तरह से टू के ए माइनस टू के लिए निकालेंगे, तो हमारे पास ए माइनस टू के लिए निकालेंगे, ये भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि उसके जब यहाँ पे निकालेंगे कि दो आइगन वैल्यू है तो दो आइगन स्पेस आ जाएंगे। तो यहाँ से वी वन वी टू एंड वी थ्री आ गया हमारे पास, वी वन वी टू वी थ्री, वी वन वी टू वी थ्री। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये हमारे पास एल आई है, और कोई भी एक्स को जेन एक्स यानी कि आर एन का कोई भी वेक्टर लेंगे उसको जनरेट करता है नहीं करता, तो यहाँ से ये फोन जो है बेसिस बनाता है। हेंस फॉर द रिपीटेड आइगन वैल्यू लैम्डा टू बराबर टू वी आर एबल टू फाइंड टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है सपोज दैट ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी लैम्डा दैट कैन बी फैक्टराइज एज लैम्डा माइनस लैम्डा वन पावर के वन लैम्डा माइनस लैम्डा टू पावर के टू डॉट डॉट लैम्डा माइनस लैम्डा पी की पावर के पी। द कंपोनेंट के आई इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जो कंपोनेंट के आई यानी के वन के टू जो है वो कहलाते हैं हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच लेमडा आई। तो ये हमारे पास के वन के टू जो कहलाते हैं वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच लेमडा आई। द डायमेंशन नल्टी ए माइनस लेमडा आई, तो डायमेंशन जो है नल्टी ए माइनस लेमडा आई की ऑफ द आइगन स्पेस एसोसिएटेड टू लेमडा आई इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई। तो लैम्डा आई से यहाँ से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो जी आई बेसिकली क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब एक एग्जाम्पल है, आज सिक्स क्रॉस सिक्स मैट्रिक्स हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा की पावर सिक्स माइनस फोर लैम्डा की पावर फाइव माइनस लैम्डा की पावर फोर, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड देयर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो लैम्डा की यहाँ से हमारे पास लैम्डा की पावर फोर कॉमन लेके ये हो गए हमारे पास। तो यहाँ से लैम्डा के अलग अलग वैल्यू क्या आ चुके हैं, लैम्डा वन बराबर जीरो, लैम्डा टू बराबर सिक्स
एंड लैम्डा 3 बराबर -2। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें, तो लैम्डा बराबर 0, 0 की मल्टीप्लिसिटी क्या है? 4। 6 की अगर देखें तो 1, एंड -2 की देखें तो 1। तो यहाँ से हमारे पास K1 बराबर 4 है, तो लैम्डा की जो 1 की जो वैल्यू है वो आइगन वैल्यू, सॉरी वो जो है वो हमारे पास 4, K2 बराबर 1 एंड K3 बराबर 1। रेस्पेक्टिव द आइगन वैल्यू लैम्डा 1 बराबर 0 जो है ये हमारे पास रिपीटेड कहलाती है, वाइल लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 जो थे वो हमारे पास सिंपल आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए ऑफ अ बेसिस फॉर आइगन स्पेस। ये हमारे पास फॉर ईच आइगन वैल्यू ऑफ ए, फाइंड इट्स एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, डज आर क्यू हैव अ बेसिस फॉर आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, जो कि ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 इक्वल टू पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू जो है दो, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा बराबर 1 आएगा एंड -2 आएगा। अगर हम यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें तो 1 की जो आइगन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1, और अगर -2 की देखें तो वो 2। तो ये हमारे पास 1 एंड -2। अब यहाँ से हमने अब तक जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें से पता चल गया होगा हमें कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, पॉजिटिव होती है और इंटीजर होगी। यहाँ से द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो K1 बराबर 1 और K2 बराबर 2, फिर लैम्डा बराबर 1 बराबर, अगर जब हम यहाँ पे आइगन स्पेस कंप्यूट करेंगे तो V1 बराबर इस तरह से आ जाएगा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। बेसिकली ए माइनस लैम्डा आई का मोड इक्वल टू 0, और इसमें से यानी X1 X2, अगर ये मोड ना लिख के ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स जो है बेसिकली आइगन स्पेस यानी आइगन स्पेस का ही वेक्टर होता है, तो V1 होगा यहाँ पे। इसी तरह से लैम्डा 2 बराबर जब निकालेंगे तो 2 हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, तो यहाँ से हमारे पास V2 निकल आएगा। तो ए माइनस लैम्डा इस तरह से हमारे पास V2 निकल आएगा। बेसिकली V2 के भी अगर बात करें तो V2 जो आएगा वो इस तरह से आएगा हमारे पास। यहाँ पे उन्होंने V2 को सिंपली इस तरह से निकाला है, -1 1 0, क्योंकि अगर हम देखें C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0, एक तो ये रिलेशन आएगा, एक आएगा C3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास C3 इक्वल टू 0 आ गया, तो सेकंड क्या बचा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये क्या क्या कंडीशंस हो सकती है इसकी, या तो हमारे पास हो सकती है C1 बराबर T ले लें, तो अगर ये ले लें C2 बराबर T, तो ये हमारे पास 1, सॉरी -1 1 एंड 0, ये आ जाएंगे C1 C2 C3 की वैल्यू। तो ये हमारे पास V2 आ चुका है। देयरफॉर फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यू लैम्डा 2 बराबर -2 वी आर एबल टू फाइंड ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकला है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिस फॉर आर क्यू। तो ये यहाँ चूंकि यहाँ पे दो ही हमारे पास आइगन वेक्टर है, तो यहाँ से हम बेसिस ऑफ आर क्यू जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर सेकंड भी यहाँ से निकल आता तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देख सकते हो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइगेन वैल्यूज एंड सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस।